सो जय एवरीवन, कैसे हो आप भाई मेरे? सभी से भी बढ़िया, वर्स अगेन ऑल द बेस्ट एवरीवन। मैं वैसे सबके साथ भी शेयर करके आने वाला था, बट मैंने कहा आप सब तो मेरे भाई की तरह हैं तो उन्हें शेयर करना मस्ट हो जाता है। तो फिलहाल जो भी आपके कैंडिडेट जो इन्हें नावी का एग्जाम देने जा रहे हैं, SSR पोस्ट के लिए है, MAR पोस्ट के लिए है, तो मैं थोड़ा सा ये शेयर कर देता हूँ कि यानी पेपर में जब पेपर अटैम्प्ट करने बैठेंगे तो ना किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का नहीं ध्यान रखना चाहिए। सिंपल सी बात है, एक एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूंगा। देखो आप इंडिया पे हो सकता है आप 10+2 करके आए हैं, तो नावी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको 2 घंटे पहले अंदर कर लेता है एग्ज़ाम सेंटर में। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम्पल देता हूँ, पेपर आपका मान लो 10:30 बजे से स्टार्ट करेंगे और आपकी एंट्री 8:30 बजे बंद हो जाएगी। 8 बजे स्टार्ट होगी, 8:30 बजे बंद हो जाएगी। हो सकता है अंदर आपका प्रोसेस होगा, अंदर प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो हर एक में होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा बहुत आपका चेक किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो लोग अंदर बिठा लेंगे और आप बैठे रहें 2-2.5 घंटे बस ऐसे भाई मेरे, ठीक है। तो पहले नंबर इन सब चीज़ों से डिमोटिवेट मत होना, जो बेहतर लगे वैसा कर सकते हो, इधर उधर की बातें मत करना खुराफात वाली, नहीं तो डांट भी पड़ सकती है। सिंपल से टेक्निक है, ठीक। दूसरे नंबर जब आप पेपर स्टार्ट करेंगे तो 2 चीज़ें वहाँ पे पेपर में आ सकती है। अभी मैं तो वही बोलूँगा, टाइम से सेंटर पहुँच जाना है आप सभी को, और किसी भी शिफ्ट में आपका पेपर हो और बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट लेके जाना है। मैंने डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड वीडियो भी बना दिया, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। अब जब आप सेंटर पर पहुँच जाएंगे, ठीक है, अब जब आप सेंटर में वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो सिंपल से कुछ चीज़ों का याद रखना, एंट्री हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट लेके जाने हैं। उसके जब एंट्री हो जाएगी तो अंदर जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स का वीडियो भी मैंने बना दिए हैं, टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पर ऑलरेडी अपलोडेड है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप अंदर पहुँच जाते हैं वहाँ पे, तो अंदर पहुँचने के बाद आप सभी को क्या करना होगा, अंदर बैठ जाएंगे, पेपर स्टार्ट होगा। पेपर स्टार्ट होगा तो वहाँ पे 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहले पेपर आपका 2 टाइप का आएगा, ठीक है। पेपर 2 टाइप से आ सकता है। एक तो पेपर सिस्टमेटिक वे से, पहले 25 के मैथ्स यानी बाहर जाओ, 25 मैथ्स के क्वेश्चन, 25 जीके के क्वेश्चन, 25 साइंस के क्वेश्चन, 25 इंग्लिश के क्वेश्चन, ये एक राइट वे होता है जो हमेशा नेवी पूछता रहा। लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ, पहले पेपर में नेवी ने सिस्टम चेंज किया और नंबर वाई नंबर की जगह पे उन्होंने अलग अलग क्वेश्चन दे दिए। बट मुझे इस बार मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है कि वो हो सकता है नेवी से हो गया हो, बट इस बार फिर से क्वेश्चन सिस्टमेटिक वे से ही आएंगे कि पहले मैथ्स, फिर फिजिक्स, फिर फिजिक्स मतलब साइंस, उसके बाद आपका जीके जी, साथ में रीजनिंग, और उसके बाद आपका इंग्लिश, ठीक है। ये तो किसी भी तरह का, अगर देखो मैं जीके वाले सेक्शन पे एक बात बता देता हूँ, जीके वाले सेक्शन में 6 से 7 क्वेश्चन टोटल रीजनिंग के आएंगे। अगर नेवी अपने पैटर्न पे रहता है तो 6 से 7 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। बस ये होगा कि कौन जल्दी कर लेता है, कौन टाइम मैनेज कर लेता है। कर सभी लोग, आप सभी, अगर आपने थोड़ा बहुत आपके अंदर थोड़ी बहुत समझ है, आप सबके सब कर लोगे 6 से 7 क्वेश्चन। बट क्या है, कौन जल्दी कर लेता है ये चीज़ मैटर करेगी वहाँ पे। बाकी अगर ये 6 से 7 क्वेश्चन रीजनिंग के नहीं पूछ जाते, जैसे लास्ट बार नेवी ने किया, तो सर आपसे वहाँ पे करंट अफेयर पूछेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने करंट अफेयर खैर कुछ टॉपिक्स बता रखे हैं, जैसे अवार्ड टॉपिक हो जाता है, स्पोर्ट्स टॉपिक हो जाता है, एक्सरसाइजेस हो जाती हैं, कोई बिग इवेंट है जैसे कि आपका ब्रिक्स बोल सकता हूँ, 20 बार जहाँ पे हुआ है, SCO बोल सकता हूँ जो जहाँ पे हुआ है इवेंट लाइक, और उसके लिए एक्सरसाइज मैंने आपको बोल दे रहा है, कंकड़ एक्सरसाइज हो जाती है, युद्धाभ्यास हो जाता है, इंद्रा एक्सरसाइज हो जाती है, स्लेन एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे बताया कि अवार्ड हो जाते हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला, ठीक है, स्पोर्ट्स में कोई अवार्ड पूछ जाता है वो किसे मिला। उसके बाद यहाँ पे आप सभी के स्पोर्ट्स आ जाते हैं, स्पोर्ट्स टॉपिक में अजलान साहब कप किसने जीता, यूरो कप चल रहा है इस बार, जो 2024 का जो ओलंपिक गेम्स होने वाला है वो कहाँ पे होंगे, ठीक है, ये सारे के सारे गेम्स। अभी वर्ल्ड कप जो हुआ था पीछे, उससे पूछ सकता है, IPL फीमेल का पूछ सकता है, IPL मेल का पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद अवार्ड में 5 लोगों को भारत रत्न मिला है, उनमें से पक्का एक क्वेश्चन आ सकता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता, फ्रेंच ओपन कौन जीता, विंबलडन कौन जीता, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है, हो गया है US ओपन मार्केट। तो ये सारे के सारे गेम से रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में इस बार सबसे उम्र दराज खिलाड़ी जो भारतीय थे, वो भी क्वेश्चन अपने पेपर में 100 out of 100% किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारी चीज़ें होने वाली हैं। अब ये 4 पेपर आएंगे, अब किसी भी पैटर्न पे आते हैं। सबसे पहली बात क्या है, आपको अपने स्ट्रॉन्ग जोन से स्टार्ट करना है। स्ट्रॉन्ग जोन आई मीन कि आपका सही है पैटर्न, ये मत सोचना कि आपको 70 अटैम्प्ट करने हैं। मैं हमेशा एक चीज़ बोलूँगा कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपका स्कोर 1 घंटे में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। रियली मुझे भी लगा 60 मिनट में 100 क्वेश्चन है कैसे होंगे, बट एक बात आपको जाननी चाहिए, आपको 60 मिनट में 60 करना ही नहीं, 60 मिनट में 100 करना ही नहीं, आपको 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करना है, बट विद एक्यूरेसी। इफ यू कम फ्रॉम एनी वेयर इन इंडिया देन डेफिनेटली अगर निगेटिव मार्किंग 0.25 का है, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। अगर आप 1 मिनट में 1 मिनट में 1 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करेंगे, और जीके में 1 मिनट लगेगा क्या, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया अगर पूछता है कोई, तो दादा भाई नेहरू जी का नाम लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन,
ठीक है, अगर कोई एक्सरसाइज पूछ देता है जीलों का देश किससे कहा जाता है, हमें पता है सर फिनलैंड को कहा जाता है, हमने फिनलैंड में कहा निकल जाएंगे, हो सकता है जीके करने में आपको 5-6 मिनट ही लगे, ठीक है। उसके बाद जैसे सबसे पहले आप सभी अपना स्ट्रांग जोन से स्टार्ट करना, मैं अगर एसएससी का कोई एग्जाम देना चाहता हूँ तो मैं रीजनिंग से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि क्या होता है जब स्ट्रांग जोन अगर अपन अटेम्प्ट करते हैं ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। तो सिंपल सी बात, अगर आपने जीके अच्छा कर रखा है जीके से स्टार्ट करिए, साइंस अच्छा कर रखा है साइंस से स्टार्ट करिए, मैथ्स अच्छा कर रखा है मैथ से स्टार्ट करिए, और उसके बाद एक जो रिमेनिंग टॉपिक है इंग्लिश अच्छा कर रखा है इंग्लिश से स्टार्ट करिए। चारों सब्जेक्ट में मुझे जो पर्सनली इजी लगता है आपका वो इंग्लिश। रीजन क्या है, नेवी में दो क्वेश्चन एसएसआर के, दो नंबर एसएसआर के, मतलब कि एसएसआर में दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पक्के जिसे हम नरेशन बोलते हैं पक्के आएंगे, दो एक्टिव पैसिव पक्के आएंगे, दो पंचुएशन पक्के आएंगे। हमेशा पैसेज चार नंबर का आता था, इस बार लास्ट टाइम पैसेज नहीं आया, लास्ट टाइम थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था, लेकिन चार नंबर का पैसेज या 10 नंबर तो फिक्स हो गए हैं, ठीक है। कहीं से नहीं पढ़ा है पंचुएशन तो पढ़ लीजिए। वैसे मैंने बैच में सारा का सारा कंप्लीट करा दिया, जो मैंने बैच लॉन्च किया था ना, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया था और फाइनली उसे हमने कंप्लीट कर लिया। फिर भी हम अभी वहाँ पे चीज़ें कुछ ना कुछ रिवीजन के लिए करते जा रहे हैं, बट वहाँ पे मैंने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे करवाई। तो 10 नंबर तो ये हो गए, प्रीपोजिशन कहीं से पढ़ रखा है, अगर वोकैब से कमांड कर रखा है तो 7-8 वोकैब्स आएंगे, तो यहाँ पे अगर आपने वोकैब से कमांड रखा है आपका 15 नंबर स्कोर ऐसे ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। बाकी मैंने टॉप 70 रूल्स कराए ग्रामर के, पीडीएफ ऑनलाइन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, चाहे तो गैलरी में जाकर के देख करके उसे पढ़ सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ से देखने को मिल जाएंगे। बस यही चीज़ें हैं इंग्लिश वाले सेशन को, अपने स्ट्रॉन्ग जोन पे पहले आप जीके अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप साइंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सर इफ़ यू आर गुड इन मैथ्स देन डेफिनेटली आप मैथ्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपको मैथ्स वाले सेक्शन पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। एक बार में क्वेश्चन अगर आ रहा है आपको देखने से, सर अच्छा कॉनिक सेक्शन ये तो मुझे आता नहीं तो हमने स्किप कर दिया, ओ मैट्रिक्स ये तो मेरा फेवरेट है तो हमने मैट्रिक्स हटाया, ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू पुटिंग करेंगे खत्म करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का काम खत्म हुआ। ऐसे इनवर्स फंक्शन, ऐसे कैलकुलस, ओ भाई समाकलन, चलो मैं इंटीग्रेशन कर देता है फटाक से जल्दी से कर देते हैं, हो जाता है तो ठीक है। और उसके बाद अगर आ जाता है लिमिट, लिमिट सीधा वैल्यू पुटिंग करते हैं, आंसर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो छोड़ते हैं। ऐसे करके जब जल्दी जल्दी करो, जरूरी थोड़ी है कि आपको मैथ्स में, अगर आप ईगो पे मत लेना कभी कभी कोई भी पेपर दो, ठीक है। मतलब समटाइम ऐसा हो जाता है कि हम ईगो कर रहे, मतलब ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इतना इजी क्वेश्चन, तो ऐसे मत लेना भाई मेरे। मतलब हो सकता है आपको कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो, एग्जांपल लेके कभी कभी जैसे मॉक लगाया हमने तो मुझे रीजनिंग का ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ब्लड रिलेशन नहीं आ, मतलब फेवरेट टॉपिक का क्वेश्चन, फिर वो 2-3 मिनट ले गया, बाद में आपके इजी इजी से क्वेश्चन पेपर में छूट जाता है। तो इस टेक्निक से बचने के लिए पहली बार जब आप चले ना तो 40 मिनट में पेपर खत्म हो जाना चाहिए, कि क्वेश्चन आ रहा है ओके, क्वेश्चन आ रहा है ओके, मैथ्स के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ओके, निकलो आ गया निकलो, नहीं टाइम देना। हाँ अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालने की दे दिया, 3 भुजाएं दे दी और कई ट्रायंगल का एरिया बताइए, तो आप सीधा हीरोज फॉर्मूले लगा करके वहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं। सिंपल सी बात, आपको प्रोसेस अगर पता है तो आप वहाँ पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि मैं बीच में फंसने वाला हूँ तो प्लीज छोड़ दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़िए। साइंस में जो आ रहे हैं 8-10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ठीक। उसके बाद आगे बढ़िए मैथ्स वाले सेक्शन पे, मैथ्स हो गया, उसके बाद इंग्लिश पे, उसके बाद इंग्लिश के बाद जीके पे, इनको अच्छे से करिए। जीके वगैरह बिल्कुल फिक्स टॉपिक है, मैंने बार बार बता रखे हैं, फुल फॉर्म आएंगे, कैपिटल करेंसी आएंगी, ठीक है, एक्सरसाइजेस आएंगी, ठीक है, स्टैटिक के टॉपिक पहले दूसरे ये सब आएंगे। क्वालिटी में पूछेगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो एज होता है वो कितना होता है, राष्ट्रपति का एज कितना होता है, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका एज कितना होता है, विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है उस मतलब बनने के लिए कितना एज चाहिए होता है, लोकसभा का अध्यक्ष का एज कितना होता है, राज्यसभा के सदस्य का एज कितना होता है, ठीक है, जो महान्यायवादी होता है वो कौन होता है, महाधिवक्ता जो होता है वो कौन होता है। वहीं पर पॉलिटी पे आपसे रिवर्स पूछेगा कि आपको पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का नाम बताइए, हाँ आपसे पूछ देगा कि अंडीज पर्वतमाला कहाँ पे, भारत संसार की सबसे बड़ा जो माउंटेन है उसका जो लंबाई विड्थ है मतलब ऊंचाई है वो कितना है, ठीक है। आपसे भितरकनिका नेशनल पार्क पूछ देगा, आपसे दाचीगम नेशनल पार्क पूछ देगा, आपसे दुधवा नेशनल पार्क पूछ देगा, ठीक है। उसके बाद आपसे लेक पूछ देगा, डल लेक कहाँ पे है, लेक्स वगैरह पूछी जा सकती हैं, ठीक, ये जम्मू कश्मीर। और इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, इकोनॉमिक्स से अगर आ सकता है तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई, पंचवर्षीय योजनाएं कितनी है, उसके बाद भारत का जो NDC होता है राष्ट्रीय विकास परिषद उसका अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है, ये सारी के सारी चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और कुछ योजनाओं के बारे में भले पूछ दे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आई, ठीक है, और ऐसे करके जो योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कब आई,
ये सारी योजनाएं उसी में आ जाती है। बैंकिंग से रिलेट करके कुछ टर्म पूछे जा सकते हैं कि जैसे रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। बैंक रेट क्या होता है, जो बैंक हमें ऋण देती है, मतलब हमें क्या, मतलब बैंक को, रिजर्व बैंक जो बैंक को ऋण देती है उसे हम बोलते हैं बैंक रेट, बट हाई टाइम के लिए, मतलब ठीक है, ओके ओके। बट रेपो रेट क्या होता है, जब बैंक अल्पकालिक ऋण देती है कम समय के लिए, वो सब रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट जो बैंक होते हैं रिजर्व बैंक में अपना रुपया जमा करती हैं, तो उसे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, कम समय के लिए, मतलब कि वो उनसे रिटर्न लेना चाहती हैं, टैक्स लेना चाहती हैं। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, मोस्टली फिक्स ही रहता है, जबकि रेपो रेट होता है ना वो 6 point something के आसपास होता है और हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है, तो लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये रिवर्स रेपो रेट हो जाता है, ठीक। रेपो रेट बैंक रेट बता दिया, रेपो रेट बता दिया, रिवर्स रेपो रेट बता दिया, और एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो होता है 18%, मतलब जैसे आपका बैंक है RBI पहले ही आपके बैंक का 18% अपने पास रख लेगी, ठीक है, कि भैया कभी कोई दिक्कत आ जाती है तो फिर हमें मतलब सॉल्व करने के लिए हैं, ठीक है, ऐसी वाली चीज़ें। तो चलो, आई होप ये चीज़ें इकोनॉमिक्स से पूछी जा सकती हैं, बाकी इकोनॉमिक्स से ज़्यादा नहीं आएगा, स्टैटिक पार्ट बहुत आने वाला है, 7-8 क्वेश्चन स्टैटिक से देखने को मिल जाएंगे, वो चीज़ें मैंने बार बार आपको बता दी हैं कि कहां से क्या आएगा, और बस उसके बाद आप पेपर को अटेम्प्ट करिए, जितने भी क्वेश्चन आते हैं अटेम्प्ट करिए। फाइनल आप सभी का डाउट हो सकता है भैया तुक्केबाजी करें कि नहीं, तो मैं तो बोलूँगा तुक्केबाजी कर सकते हो, ठीक है, अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, अगर कोई 4 digit दे रहा है और बोल रहा है कि ये करिए, आई थिंक अगर एक क्वेश्चन दे रखे हैं ऊपर साइनोनिम दे रखे हैं, आपसे पूछ लिया है कि सर बताइए इम्पेडिमेंट, और नीचे 4 meaning दे रखे हैं, इनमें से इसका कौन सा एंटोनिम होगा, और आपको 4 meaning नीचे में से 1 meaning ऐसी पता है जो नहीं होगा। इम्पेडिमेंट का आपको मीनिंग पता है कि सर ऑब्स्टिकल होता है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होता है, बॉटलनेक होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है, या फिर और इसका कुछ मीनिंग आपको पता है कि इसका मतलब बाधा होता है, तो फिर आप ऐसा करिए नीचे ऑप्शन देखिए, आपको दिख रहा है सर प्लीजेंट, इसका मतलब तो होता है अच्छा, यहाँ पे बाधा की बात की जा रही, अब आपको बताना क्या है, साइनोनिम बताना है, तो प्लीजेंट हटा दिया आपने क्योंकि अच्छा, अब हमें साइनोनिम बताना, 3 options बताए, मार दो तुक्का यार, क्योंकि पहला नंबर निगेटिव मार्किंग है पेपर में, आई नो निगेटिव, 1/4 का निगेटिव मार्किंग है, ठीक। दूसरा नंबर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता कि अरे आपने ज़्यादा कर इनकरेक्ट कर दिया तो आपको हम बाहर कर देंगे, इंग्लिश में थोड़ा समझ का भी गेम होता है, समटाइम्स क्या होता है कि जैसे मैं एक हिंदी मीडियम से हूँ तो ज़्यादा बेसिक उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, बट क्वेश्चन गलत नहीं होता, रीजन क्या होता है वो एक समझ टाइप में जनरेट हो गई कि हाँ ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, ऐसे करके रूल पता होंगे बहुत सारे, लेकिन फिर भी समटाइम ऐसा होता है, तो इंग्लिश वगैरह पे चीज़ें की जा सकती है। मैथ्स पे जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा आप उसे छोड़ दीजिए, लेकिन आप अटेम्प्ट मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश पे, जीएस पे अगर आपसे कुछ पूछ रहा है, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन लॉजिकल पूछ रहा है, कोई रिवर्स से पूछ रहा है कि उद्गम कहाँ से होता है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, नाम से पता चल जाता है। अब जैसे मैं पूछूं कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, अब आपसे भी सिंपल से बात है, अब आंसर मैं आपको दे दूं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश। अब कुचिपुड़ी नाम से देखो कितना अजीब नाम है कुचिपुड़ी, तो जब अजीब नाम टाइप का आ रहा है तो आप साउथ में जाएंगे, ठीक है, मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, ठीक है, ये सारे के सारे डांस है, नाम से थोड़ा सा गेस लगता है कि हाँ सर ये तो नहीं हो सकता, तो जब आप ऐसी वाली टेक्निक यूज कर पाए तो आप इलिमिनेट टेक्निक का यूज करिएगा और हिट करिएगा आंसर, ठीक है, तो फिर आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मैं पर्सनली अगर अब नवी का पेपर दे तो अटेम्प्ट करो यार, 10-5 क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि 1/4, हाँ ऐसा भी नहीं कि सब तुक्केबाजी पूरा चल, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 1-2 options एलिमिनेट कर पा रहे हो तो लगा देना, पक्का लगा देना, अगर 1-2 options एलिमिनेट कर पा रहे हो, एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं सब, बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो मत लगा रहा यार, फिर कोई फायदा नहीं होगा, तो तुक्केबाजी ABCD अक्कड़ बक्कड़ बम्बी बोल 90 पूरे 100 में लगा था चोर निकल के भागा, ऐसे वाली चीज़ अपने को नहीं करनी ना यार, ठीक। तो सिंपल सी बात है कि भैया ने बोला सी लगाने का तो सी लगाने का, ऐसे नहीं करने का भाई मेरे, ठीक है। तो ये चीजें थी जो मुझे शेयर करने थे, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है डेफिनेटली, और बस शेयर कर सकते हो दोस्तों के पास तक, पसंद आया हो तो लाइक का भी ऑप्शन होता है यूज करिए, डिसलाइक तो यूट्यूब ने हटा दिया है तो मैं उसके लिए बोल नहीं सकता, नहीं तो मैं तेरे पे बोल देता था, ना पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, और टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से, नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, और बस जय हिंद भाई, ध्यान रखना, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, एग्जाम सेंटर टाइम्स में हो जाना लोड हो जाएगा, नहीं तो पता है डर जाओगे यार, तुम अभी तक डरता था ना।